हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और फाइनली आज हम लोग निकल गए हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, क्योंकि सबसे पहले मेट्रो में बैठेंगे। गाड़ी हमने कर दी है पार्क, क्योंकि गाड़ी से जाना यानी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मेट्रो से जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो के लिए। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वैसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 5-10 मिनट में ही मेट्रो आ जाती है। ये दिल्ली शहर की बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि देखो ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल था दिल्ली का। किसी ने मुझे कल कमेंट भी किया कि क्या आप दिल्ली पहली बार आए हो, तो हाँ डियर, मैं पहली बार आई हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी इंसान किसी शहर में पहली बार जाएगा तो वो अपना ओपिनियन जरूर देता है, जैसा कि वो खुद फील करता है। तो जहाँ पर नियति रहती है ना, वहाँ पर तो मुझे आकर ऐसा ही लगा जैसे कि मैं आगरे की जगह पर रह रही हूँ, किसी छोटे से कस्बे में, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ शहर जैसा फील नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ जहांगीर है शायद, ये जहांगीर का जो मेट्रो स्टेशन है ना, हम लोग अभी वहाँ पर हैं। वहाँ से हम फिर जाएंगे चांदनी चौक के लिए। हम उतरेंगे चांदनी चौक वाली जगह पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चांदनी चौक मार्केट भी मैंने देखा। ये सारी मार्केट का लुक तो ऐसा ही आता है जैसे हमारे वहाँ पर बिजली घर की मार्केट, लाल दरवाजा की मार्केट अहमदाबाद में, तो वो सारी मार्केट वाली फीलिंग तो मुझे वही आई जैसे कि मैं बचपन से देखती आई हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट लगा मेट्रो स्टेशन और मेट्रो वाला एरिया। और वैसे अब आगरे में भी शुरू होने वाली है मेट्रो, अहमदाबाद में तो काफ़ी सालों से चली रही है। तो ये सारी जगह देखकर दिल्ली की काफ़ी अच्छी लगी। और कई लोग काफ़ी कल मुझे बहुत उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे। तो आप लोगों को पता है आप लोगों की क्या आदत है कि कोई इंसान क्या कह रहा है उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, और आकर उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हो। भाई मैं पहली बार आई हूँ, अगर मैंने गंदगी देखी तो मैंने गंदगी का कहा, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं उनकी अच्छाई भी करती हूँ। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर शहर में सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। किसी शहर में कुछ चीज़ परफेक्ट है तो किसी शहर में कुछ चीज़ परफेक्ट है। तो दिल्ली वैसे बहुत अच्छी सिटी है, क्योंकि मैंने काफ़ी जो व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग में देखी है, तो मैं खुद जाना चाहती थी। तो जो चीज़ें पसंद नहीं आई वो मैंने कल के व्लॉग में बता ही दिया था। और कचरे के पहाड़ की पूरी कहानी क्या है मुझे वो भी नहीं पता है, क्योंकि जब नियति से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि दी रिसाइकल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फर्स्ट बार अगर कोई इंसान देखेगा तो उसका रिएक्शन वही होगा जो शायद मेरा था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। मैंने आज तक किसी भी शहर में वो चीज़ नहीं देखी थी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना बुरा लगाने की कोई बात है, क्योंकि आप भी अगर फर्स्ट बार किसी शहर में जाओगे तो कुछ उसकी अच्छाई आपको अच्छी लगेगी तो कुछ उसकी बुराई भी आपको दिखेगी जो आप बोलोगे। हर इंसान अपना ओपिनियन देता है, तो इतना ज़्यादा बवाल मचाने की मुझे नहीं लगती कि कोई ज़रूरत है। सो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं मेट्रो के अंदर, और आरू बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। और आरू ने यहाँ पर पता है 2 से 3 रील भी बनाई, क्योंकि आरू चाहती है कि मैं मेट्रो में रील बनाऊँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें खास ज़्यादा पसंद नहीं है। पर बच्चे का मन रखने के लिए मैंने उसकी 1-2 रील बनाई भी थी। और मेट्रो की बात अगर है ना, कोई मुझे पता है हर चीज़ में उल्टा सीधा कमेंट शुरू कर देते हैं। तो मेट्रो अहमदाबाद में काफ़ी साल पहले से है, लेकिन मैं जब अहमदाबाद जाती हूँ ना तो मेरा ऐसा कोई मौका ही नहीं लगता कि मैं मेट्रो में बैठूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। सो अभी हम लोग फाइनली उतर गए हैं मेट्रो से, और अब हम जाएंगे सीधे चांदनी चौक की मार्केट। ठंड में नहीं मरूंगी, पटाखे जाके जैकेट खरीद लूंगी अभी एक और। नहीं मैं खरीद लूंगी, आप ये लेना। हाँ ऐसा कर लेना। लोगों को देखो, अभी थे अभी चले गए, अब नहीं दिखाई दे रहे, आगे पहुंच गए वो लोग, हम पीछे रहे। ये है चांदनी चौक मार्केट। नहीं लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आगे चलो। क्या आरू
बेटा यहाँ से मैं सामान लेके वहाँ जाऊंगी, फिर वापस आएंगे, जब आएंगे तब शॉपिंग कर लेंगे ना। तो चांदनी चौक मार्केट जो है ना वो मैंने पूरा तो नहीं देखा, बस मेट्रो स्टेशन से जिस रास्ते से निकल के बाहर आते हैं ना वहाँ तक ही देखा, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली शॉपिंग वगैरह करनी नहीं थी, बस हम लोगों को ना निकलना था इंडिया गेट के लिए, तो काफ़ी लेट हो रहे थे, फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी जिस दिन हम आए थे उस दिन, तो इस वजह से क्या है कि है ना हमने शॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और है ना गाड़ी में ही मेरी कैप भूल गई थी, मैं छूट गई थी मेरी कैप, तो मुझे सर पे ठंड भी बहुत लग रही थी। चांदी, ये चांदी चौक का गुरुद्वारा है ना, इसी के अंदर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है बेटा ये। अभी हम लोग मार्केट से बाहर निकल गए हैं, और जो आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आपको तो पता ही होगा कि अभी मैं किस जगह पर खड़ी हूँ, तो यहाँ पर आकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मैं आगरे की जो बिजली घर वाली मार्केट है ना वहाँ पर खड़ी हूँ, सेम फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि वहाँ पर भी ना इसी तरह की भीड़ रहती है और इसी तरह से लोगों का आना जाना रहता है, सेम फीलिंग आ रही थी मुझे इस जगह पे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आगरे में ही कहीं हूँ, और ये वाली जो जगह है ना ये देखकर लग रहा था जैसे कि मैं आगरे का जो लाल किला है ना वहाँ जा रही हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे आगरे में और दिल्ली में काफ़ी सिमिलैरिटी है, और लाल किले को लेके तो काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो यहाँ से ही हमको ना लाल किला दिख रहा था, लेकिन धुंध और कोहरे की वजह से ना काफ़ी जो दूर से मुझे दिख रहा है ना, शायद आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ आसपास की वीडियो शूट कर रही थी कि भाई आए हैं तो चीज़ों के बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी और चौड़ी सड़क है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो रश कितना ज़्यादा है, और मार्केट भी इतनी बड़ी थी ना, हम लोग चलते चलते परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ में थे, जहाँ से हमने मेट्रो स्टेशन छोड़ा था, मेट्रो स्टेशन के बाहर से लेके लाल किला तक पूरी यहाँ पे मार्केट ही मार्केट थी, तो हम लोग बस विंडो शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी हमने पार्क कर दी थी, तो फिर मुझे कोई भी लगेज अपने हाथ में नहीं रखना था। नहीं, यहाँ की भीड़ देख के मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। यार साथ में बेटा, वो रहा लाल किला, दूर इतना धुआं है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये है दिल्ली की पब्लिक, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर जय ले रहे हैं अपने लिए मीठा पान, तो मैं और नियति और आकाश, हम तो तीनों जन में से कोई नहीं खाते, बस आपके भैया खाते हैं, तो उन्होंने खाया, और यहाँ पर ना मुझे लेना था एक पावर बैंक तो वो मैंने लिया, उसके बाद नियति को कुछ फ़ोन के कवर चेंज करने थे तो वो काम किए, वैसे मार्केट बहुत अच्छी थी, मन कर रहा था लेकिन टाइम देना पड़ता और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। पीछे है लाल किला दिल्ली का, और अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट। लेकिन यहाँ पर ऑटो की जो प्राइस है ना 250-300 बोलेंगे, लेकिन बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, वो तो हम कर लेंगे, उसमें तो माहिर है। बच्चे कहाँ हैं? यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है बच्चों की, अगर बच्चे लेके आते हैं ना तो बड़े ध्यान से आना पड़ेगा। और दिल्ली में ठंडी भी बड़ी गजब है, अब देख चार साल में इंडिया गेट निकला है ना, इंडिया गेट। अभी है ना मैं बिल्कुल प्रॉपर लाल किले के आगे खड़ी थी, और जो लाल किले में जो लाइटिंग है ना काफ़ी अच्छी लग रही थी, दूर से ही काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, एकदम चमचमा रहा था, लेकिन है ना ठंडे की वजह से और कोहरे की वजह से कुछ भी प्रॉपर नहीं दिख रहा, क्योंकि हम लोग आए थे ना उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, और लौटते लौटते काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी हो गया था, और हम लोग यहाँ पर ऑटो में बैठे हैं, ऑटो को भी हमने कवर कर लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी भैया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, लेकिन अब कार वाली फीलिंग आ रही है, हमने पूरा ऑटो पैक कर लिया है ताकि बच्चों को ठंडी ना लग जाए और मुझे भी। ये देखो दादी अम्मा बैठी हैं,
इन्होंने टोपा नहीं पहन रखा है। नियति दब गई, कहाँ गई, दिखा उसको, दब गई है, दिख गई। अरे लो भाई देखो मेरा बलून, इतना बॉन्ड नहीं घूमा। आरू बाबू अभी दे दे चलो तो सही पहले, चलो तो सही पहले। मैं तो आपका वीडियो बनाया करके, मेरा पावर बैंक है ना मेरे हाथ में बेटा, इसके लिए ए मोलू ठंड बहुत है। मेरी तो कैप भी रह गई कार में, मेरी तो कैप भी कार में रह गई। किधर है, इधर ही है, इसी में होगा यार। ये रहा यार, ये रहा सामने तो है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए इंडिया गेट के पास, क्योंकि कोहरा आप लोग देख ही सकते हैं कितना है। इंडिया गेट भी हमको ढंग से दिख नहीं रहा था दूर से, जब नज़दीक गए तब दिखा, और जब हम घर पहुंचे थे ना तब तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी कि हमने कोई वीडियो शूट ही नहीं की घर पहुंचने की। तो अभी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, अभी तो जो गार्डन है ना वहां पहुंचे हैं। और यहां पर इतनी ठंड में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों को, सच में मुझे लग रहा था कि हम अकेले ही नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इतनी ठंड में भी इंडिया गेट को देखने और उसको एंजॉय करने आए हैं। कोहरे की वजह से प्रॉपर दिखेगा भी नहीं यहाँ पर, तब भी लोगों की तादाद देख लो आप पहले। तुम ही तो बिस्तर में घुसे रहते हो, दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई। मैं इतनी ठंडी मरना लेने को, मैं तो आपकी वजह से आई हूँ, मैं घर से ना निकलूं। याद रखेगी तू तो। हाँ हो रही बाबू, मैं घर से ना निकलूं, इनकी वजह से आई हूँ, मैं पड़ी रहती हूँ अपने कंबल में। तू तो पैक है, तू कहे तो और शॉल वॉल ला के दे तू। हाँ। यार गाड़ी में रह गई सब चीजें, यार लाए तो बहुत सारे थे। और सब एकदम पहन रखा है कि मेरे को ठंडी ना लगे। नियति बोलती थी ठंडी कहाँ आई दीदी, कहाँ, मैं बोलती थी आजा यूपी में तेरे को ठंडी दिखाऊंगी, कानपुर छोड़। हाँ जैसे दिल्ली में एंट्री क्या ठंडी। हाँ दिल्ली और आगरा तुझे ठंडी बताएंगे। अच्छा लग रहा है व्यू, हाँ दिख रही है बेटा, अच्छा लग रहा है। अरे मैं तोल दूंगा, चल ले आठ बोलो तो मम्मी मेरा चेक करा लो वीर। आरू कितनी ठंड में आए हैं, अब पब्लिक देखो यहाँ पे क्या भीड़ है, कौन कहेगा कि ठंड है, लॉट ऑफ भीड़। मोलू का ध्यान रखना जे, बहुत ज्यादा भीड़ है देखो। इंडिया गेट आकर बहुत अच्छा लग रहा था, और जो लाइटिंग थी ना जिसमें तिरंगे के कलर आ रहे थे बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहा था, दूर से ही हमारी नज़र गई, मैंने कहा ये है सबसे अच्छी चीज़। और इसके बाद यहाँ पर है ना नियति खड़े खड़े थक गई थी, आपने सुना ही ना वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, उसको ठंड में कहीं भी निकलना पसंद नहीं है और उसको ठंड भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो आकर थक गई, बहुत ज़्यादा थक गए, वो थक गई है बैठ गई है, परेशान हो गए खड़े खड़े। चलो बहुत कोहरा छा रहा है, अब तो रात हो गई, चलो घर, ठंड लग रही है। अब तो हम लोग फिर से आ गए मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि हम फिर से मेट्रो में बैठेंगे, और जहांगीरपुर पे जहां पर पार्किंग है काफ़ी बड़ी वहां हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था, फिर हम लोग फिर से अपनी गाड़ी लेंगे और जाएंगे घर। और घर पहुंचते पहुंचते 10:30-11 बज चुके थे, कोहरा भी काफ़ी था तो गाड़ी भी हम लोग है ना बहुत तेज़ नहीं चला पा रहे थे ठंड की वजह से। लेकिन हाँ कुछ भी रहा, दिल्ली आए तो कम से कम दिल्ली की जो सबसे नामी चीज़ है इंडिया गेट, जिसको कि दुनिया का हर इंसान आता है तो घूम के ज़रूर जाता है, तो फिर हम क्यों नहीं घूमते, तो वो बहुत अच्छी लगी। और वहाँ का जो एरिया था ना वो भी बहुत ही अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये है प्रॉपर दिल्ली सिटी। यहाँ पर आकर तो मैं कहती हूँ दिल्ली सिटी को थम्स अप देते हैं, तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, चाहे फिर वो किसी की कहीं भी की हो क्यों ना हो।
तो इंडिया गेट वाली जो जगह है ना वो दिल्ली की बहुत अच्छी लगी, लेकिन कोहरे की वजह से ना हम लोग वहाँ पे ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए और ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाए। बीमार हो गई नियति, घर जाते हैं कई, इतना तुझे पिना पिना के ले गई थी, अगर नहीं पिनाया होता तो कितनी ठंडा जाती है। तो जो हम सोचकर आए थे कि हम इंडिया गेट देखेंगे तो वो तो वैसे हमने देख ही लिया, लेकिन कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, कम से कम आरू मोलू की बच्चों की इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि बच्चे है ना इंडिया गेट जाना है, इंडिया गेट जाना है कर ही रहे थे। तो मैंने आरू को बोला, ले बेटा तेरा सपना पूरा हो गया, तूने इंडिया गेट देख लिया। वैसे भी ये दिल्ली की फेमस जगह है तो भाई आना तो बनता ही था, और वैसे भी दिल्ली इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी सिटी है कि उसको कोई एक दिन में तो घूम ही नहीं सकता, 10 से 12 दिन तो कम से कम चाहिए तब जाकर हम दिल्ली की छोटी मोटी जगहों को देख पाएंगे, क्योंकि भाई राजधानी है, बड़ी सिटी है तो टाइम तो लगेगा, और इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि हम यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकते और पूरी दिल्ली सिटी को घूमते। और इसी वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जितना हो पा रहा है देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो कुछ छोड़ेंगे। और लोटस टेम्पल देखने की भी मेरी इच्छा है, क्योंकि लोटस टेम्पल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें सुनी है, तो एक बार तो देखना बनता है। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, और चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय, लव यू।